बैक टू बैक इरफान खान और ऋषि कपूर के जाने से हर कोई हैरान है। ये इस बीच बॉलीवुड के वेटरन एक्टर रशीदुद्दीन शाह की तबीयत को लेकर भी खबरें आने लगी है। सोशल मीडिया पर इस खबर को खूब शेयर किया जाने लगा कि रशीदुद्दीन शाह की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर नसरुद्दीन के बेटे विवान ने आगे आकर सफाई दी और कहा कि पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सब खबरें कोरी अफवाह है। ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है, बॉलीवुड जगत से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। शाहरुख खान ने भी ऋषि को याद करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। शाहरुख ने ये भी कहा कि मैं आज से कुछ भी हूँ वो ऋषि कपूर के आशीर्वाद से हूँ। दोनों ने फिल्म दीवाना में साथ में काम किया था। इस दौर का वाकया शाहरुख ने शेयर करते हुए बताया कि ऋषि मुझसे कहते थे कि यार तुझ में एनर्जी बहुत है। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका विश करने वालों की लंबी लिस्ट है। हालांकि अनुष्का लॉकडाउन में विराट के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और उन्हीं के साथ अपना खास दिन बिता रही हैं। शाहरुख के साथ रब ने बना दी जोड़ी से अनुष्का ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। हाल ही में इरफान खान हम सभी को अलविदा कहकर गए, लेकिन ना जाने क्यों हर कोई अभी भी इरफान का जाना हजम नहीं कर पा रहा है। इस बीच सबके लिए खुशखबरी यह है कि वो कि इरफान की एक इंटरनेशनल फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। इस फिल्म का नाम मंत्रा सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन। फिल्म की शूटिंग तो पहले ही हो गई थी और फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जल्द ही डीडी पर इरफान की शो श्रीकांत भी रीटेलीकास्ट किया जाएगा। साउथ के फेमस एक्टर अजीत आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। अजीत की फैन फॉलोइंग ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे देश भर में है। क्या आप जानते हैं कि अजीत शाहरुख खान के फिल्म अशोका में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। फिल्म में अजीत ने शाहरुख के भाई का किरदार निभाया था। अजीत की कई फिल्में हैं जिनका हिंदी रिमेक बन चुका है या बनने की प्लानिंग की जा रही है। गली बॉय में मुराद बने रणवीर का किरदार आपके जहन से यकीनन नहीं निकला होगा। इस किरदार को निभाने के लिए बिट्टू सिंह ने बहुत मेहनत की थी। फिल्म में मिस्टर सिंह के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने उनकी पिक्चर शेयर की है। ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन फोटोज को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुराद के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए रणवीर ने कितने पापड़ मिले होंगे। हाल ही में हमने आपको बताया था सुपर मॉडल गीगी हदीद सिंगर जायन मलिक के साथ अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। खबरों की माने तो गीगी को 20वां हफ्ता चल रहा है। खुद गीगी ने ही अपने प्रेगनेंसी की खबर को कन्फर्म कर दिया है। जायन के साथ गीगी का रिलेशनशिप 2015 से चल रहा है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग ऑडियंस को काफी पसंद आती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों लॉकडाउन की वजह से अपनी फैमिली से दूर हैं और उनसे मिलने भी नहीं जा पा रही हैं। सब जानते हैं सोनम अपने भाई बहन के काफी क्लोज है। हाल ही में सोनम ने भाई हर्षवर्धन और बहन रिया के साथ एक खूबसूरत फोटो शेयर किया और लिखा, मैं तुमको बहुत मिस कर रही हूँ, इतना मिस जितना तुम सोच भी नहीं सकते, जल्द मिलेंगे। बॉलीवुड के क्यूट कपल बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को 4 साल पूरे हो गए हैं। फोर्थ एनिवर्सरी पर दोनों लॉकडाउन की वजह से घर पर रहने के लिए मजबूर हैं, इसलिए सेलिब्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दोनों ने एक दूसरे के लिए प्यार भरा पोस्ट लिखा है। बिपाशा ने इंस्टा पर एक अनसीन वीडियो शेयर की तो करण ने बिपाशा के लिए रोमांटिक पोयम लिखी है। कैंसर बॉलीवुड जगत के लिए एक बेहद दर्दनाक सच बन चुका है। इरफान और ऋषि का निधन भी कैंसर से ही हुआ। बॉलीवुड में न जाने कितने सितारे कैंसर की जंग हार गए हैं और हाल ही में फेमस सिंगर अर्जुन कानगो ने भी अपने पापा को लीवर कैंसर की वजह से खो दिया।